जैसे कि कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और इस नेटवर्थ को बनाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। और जहां लोगों से बातचीत का सवाल आया, वहीं हम में से कई सारे ढेर हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो आज की ये समरी आपकी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। किसी भी अजनबी से बात करना कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको कभी ना कभी अपने करियर या बिजनेस के सिलसिले में अनजान लोगों से घुलना मिलना पड़ता है। दोस्त बनाने या लंबे समय के रिश्ते बनाने के लिए भी इस स्किल की जरूरत होती है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने मन से डर को निकाल दें। लेकिन सवाल यह है कि कन्वर्सेशन शुरू कैसे किया जाए, आपको क्या बोलना चाहिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं बोलना चाहिए। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कन्वर्सेशन स्किल्स बेहद काम आती है। इससे आपको मनपसंद पार्टनर मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, या कोई अच्छी बिजनेस डील भी हासिल हो सकती है, और यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता है। और आज की ये बुक समरी आपको अच्छी कन्वर्सेशन स्किल डेवलप करने में मदद करेगी। इस बुक की ऑथर डेबरा फाइन एक कन्वर्सेशन एक्सपर्ट, स्पीकर और राइटर हैं। वो मल्टी डॉलर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हैं। वो ऐसे वर्कशॉप और सेमिनार भी कंडक्ट करती हैं जहां कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस किया जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक बाय डेबरा फाइन। लोगों के कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत शुरू न करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वे शर्मीले स्वभाव के हों, या वो खुद को स्टूपिड न दिखाना चाहते हों, या शायद उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या बात करनी चाहिए। ये सारे कारण वाजिब हैं। हालांकि ये सारे कारण उस वक्त गायब हो जाएंगे जब आप जान जाएंगे कि अच्छी तरह से बातचीत कैसे की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छी कन्वर्सेशन स्किल्स यानी बात करने की कला के साथ पैदा हुआ हो। कई बार आपको ये स्किल सीखनी भी पड़ती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि किसी से स्मॉल टॉक करते वक्त किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए। आप सीखेंगे कि अजनबियों से कैसे बातचीत की जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह पता चलेगा कि अच्छी कन्वर्सेशन को मेंटेन कैसे करना चाहिए। इस समरी में दी गई जानकारी हासिल कर आपको एहसास होगा कि सोशलाइजिंग यानी कि लोगों से मिलना जुलना इतना भी स्ट्रेसफुल या मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते थे। अगर आप कोशिश करें तो ये काफी मीनिंगफुल, जिंदगी बदलने वाला और मजेदार हो सकता है। तो आइए फिर इस बहुत इंपॉर्टेंट और लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। What's the big deal about small talk? जेन एक फेमस कंपनी में जॉब करती है। उसे अपनी जॉब बहुत पसंद है, हालांकि उसकी जॉब में सोशलाइजिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जेन ने अपनी नई गाड़ी बिल्डिंग के सामने पार्क की जहां कंपनी की नई ब्रांच खुली थी। जैसे ही उसके कानों में म्यूजिक की और हंसी की आवाजें पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसे इवेंट्स सख्त ना पसंद है। वो अजनबी लोगों से दोस्ती तो दूर, स्मॉल टॉक करने में भी घबराती है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे ऐसे इवेंट्स में शामिल होना पड़ता है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन जेन कभी भी ऐसे इवेंट्स एंजॉय नहीं कर पाती। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी सबको देखती रहती है, और जहां तक हो सके लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसने सोचा कि वो खा पीकर एक घंटे बाद पार्टी से चुपचाप चल देगी। जेन को ऐसा फील होता है जैसे सोशल इवेंट्स उसकी एनर्जी कम कर देते हैं। हो सकता है कि आप भी जेन की तरह फील करते हो। शायद आपके लिए भी स्मॉल टॉक करना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम हो। लेकिन आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि काश ये स्मॉल टॉक हमेशा के लिए बैन हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम आपको बता दें कि स्मॉल टॉक की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। दरअसल स्मॉल टॉक ही हमें एक रियल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की तरफ ले जाती है। जैसे मेन कोर्स से पहले स्टार्टर्स होते हैं, वैसे ही एक गहरी और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन से पहले स्मॉल टॉक माहौल तैयार करने का काम करती है। ये दो लोगों को किसी भी बातचीत की शुरुआत से पहले कंफर्टेबल फील करने में हेल्प करती है। स्मॉल टॉक आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के, फ्रेंडशिप के, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के नए रास्ते खोलती है। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। इसके पीछे वजह है कि इंसान आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो अकेले रहना पसंद करता हो। सबको एक साथी की जरूरत पड़ती है। सबका एक फ्रेंड सर्कल होता है, किसी का बड़ा तो किसी का छोटा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इंसान की सोशल स्किल्स को काफी हद तक इफेक्ट किया है। लोगों में अकेलापन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी इवेंट में या पब्लिक प्लेस में, हर कोई अपने मोबाइल में बिजी दिखेगा। आज हमें ट्रेन में किसी से बात करने में झिझक होती है, क्योंकि सामने वाले की नजर अपने फोन पर गड़ी होती है। कॉफी शॉप में किसी से बात करने की सोचें भी तो कैसे, सभी अपने अपने गैजेट में तो बिजी हैं। स्मॉल टॉक अकेलेपन का इलाज है। किसी के साथ बात करने से हमें अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि स्मॉल टॉक की शुरुआत कब और कैसे की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। अब जैसे जेन को ही ले लो, उसने भी यही किया था। उसने स्मॉल टॉक को अलग तरह से देखना शुरू किया। उसे सोशल इवेंट्स में अलग थलग रहने से चिढ़ होने लगी थी। वो भी तो पार्टी एंजॉय कर सकती थी, इसलिए उसने माइंडसेट में दो चीजें बैठा ली। पहली चीज तो ये कि रिस्क लो, जो होगा देखा जाएगा। जेन ने यह सोचना छोड़ दिया कि कोई खुद आकर उससे बातचीत की शुरुआत करेगा। इसके बदले उसने एक गोल बनाया कि हर इवेंट में वो कम से कम दो लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करेगी। आपको किसी अजनबी से बात करना मुश्किल लगता है? लेकिन हम आपको बता दें कि इससे भी मुश्किल कई और चीजें हैं, जैसे अपनी स्पीच भूल जाने के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, जेन ने यह फैसला किया कि वो सामने वाले से बातचीत आगे बढ़ाने की उम्मीद करने के बजाय खुद कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगी। उसे यह भी लगता था कि सामने वाला भी यही बात सोचता होगा, लेकिन एंड में यह जेन पर डिपेंड करता था कि वो कितनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करती है। तो इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझने के बाद बढ़ते हैं हम भी आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। टेक द प्लंच, स्टार्ट कन्वर्सेशन। एक बात यह है कि आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपके मन से कन्वर्सेशन का डर जाने वाला नहीं है। जैसे आप अपने बाकी डरों का सामना करते हैं, ठीक वैसे ही आपको इसे भी फेस करना होगा। आप अपने मन से ये डर तभी हटा सकते हैं जब आप कोशिश करेंगे। स्मॉल टॉक बातचीत शुरू करने का बेस्ट ऑप्शन है। मैट ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब वो बतौर पार्ट टाइम वर्कर एक हॉस्पिटल में काम करता था। मैट प्रेप टेक था, यानी कि उसकी ड्यूटी थी सर्जरी से पहले मेल पेशेंट्स को शेव करना। मेल पेशेंट्स को चिन से लेकर एंकल तक शेव करना होता था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ मेल पेशेंट्स भूखे होते थे और कोई बहुत दर्द में होता था, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैट और पेशेंट दोनों के लिए ये सिचुएशन कितनी अनकंफर्टेबल होती होगी। पर मैट ने स्मॉल टॉक करना सीख लिया था, जिसकी वजह से उसकी और उसके पेशेंट्स के लिए चीजें आसान हो गई थी। स्मॉल टॉक की वजह से मैट और उसके पेशेंट्स दोनों ही काफी रिलैक्स्ड फील करते थे। मैट उनसे हल्के फुल्के सवाल पूछता था, जिनके जवाब देने में उन्हें आसानी होती थी। इस तरह मैट उन्हें कंफर्टेबल फील कराता था। जैसे वो अपने पेशेंट से पूछता कि आपका घर कहाँ है, आपकी हॉबी क्या है, वगैरह वगैरह। मैट की तरह आप भी ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको पावरफुल बनाता है। इससे आपको क्या बात करनी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी से भी बात करने की पहल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। कोई भी बातचीत स्माइल से शुरू होनी चाहिए। जब कोई आपको देखकर स्माइल करता है तो आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स आप भी बदले में स्माइल करते हैं। बस सामने वाले को देखकर स्माइल कीजिए और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए। ये दो एक्शन रेपो बनाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आप सामने वाले को हिंट दे रहे हैं कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको स्माइल करना और आई कॉन्टेक्ट बनाना अजीब लगता है? कोई बात नहीं, आप बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शुरू में 10 लोगों को देखकर स्माइल करो। अभी आपको उनसे बात नहीं करनी है, सिर्फ स्माइल करना है। स्माइल करने और आई कॉन्टेक्ट बनाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये आपकी नर्वसनेस को दूर करता है। इस बुक के ऑथर की एक फ्रेंड है बार्ब। बार्ब ने अभी हाल ही में अपना करियर शिफ्ट किया है। वो सिटी काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। एक पॉलिटिशियन के तौर पर आपको पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत होती है। बातचीत करने के लिए बार्ब एक तरीके का इस्तेमाल करती हैं। वो जिससे भी मिलती हैं
उसका नाम पूछ लिया करती थी। किसी का नाम पूछना तो बड़ा आसान है, इससे अच्छी बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप किसी का नाम पूछें, फिर उसका नाम रिपीट करें ताकि आपको नाम याद रह सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप किसी से मिले, उसका नाम मिशेल है, तो आपको बोलना है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिशेल। किसी का नाम पूछना एक बेसिक मैनर है, लेकिन नाम याद रखने से आप उस इंसान को स्पेशल फील कराते हो। बाप की मेमोरी काफी शार्प है, इसलिए उसे आसानी से नाम याद रह जाते हैं, लेकिन हर किसी की बाप जैसी शार्प मेमोरी नहीं होती। बार एक लोकल इवेंट में एक आदमी से मिली जिसका नाम था मार्क। दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। फिर वही आदमी बार्ब को एक लोकल इवेंट में दोबारा दिखा। बाब ने उसे देखकर स्माइल किया और उसके पास गई, और यही वो मौका था जब बाब ने काइंडनेस दिखाई। उसने उस आदमी का नाम लेकर अपना नाम भी उसे याद दिला दिया था, ताकि वो आदमी ये सोचकर न घबरा जाए कि उसे बाब का नाम याद नहीं है। बाब ने उसे कहा, हेलो मार्क, फिर से देखकर अच्छा लगा, मेरा नाम बाब है। ये एक अच्छी टेक्निक है ताकि सामने वाला पूरी तरह से बातचीत पर फोकस कर सके। जैसे यहां मार्क को बार्ब का नाम याद करने में टाइम नहीं लगाना पड़ा। कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। अब आपको पता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। अब बारी आती है थोड़े मुश्किल पार्ट की, आप इसे कंटिन्यू कैसे रखेंगे। कन्वर्सेशन मेंटेन रखने के लिए ऐसे मान लो जैसे आपने सामने वाले को अपने घर पर इनवाइट किया है, तो एक होस्ट होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराएं। हैरी को भी शुरुआत में काफी शर्म आती थी, कोई बर्थडे पार्टी हो या कंपनी इवेंट, वो एक कोने में खड़ा रहता था। फिर उसने स्माइल करना और सबसे आई कॉन्टेक्ट बनाना सीखा। वो स्माइल करता तो लोग भी वापस स्माइल करते थे, इससे हैरी रिलैक्स महसूस करता था। फिर उसे समझ में आ गया कि वो भी बातचीत शुरू कर सकता है। वो पार्टी में बातचीत शुरू करने के लिए किसी ऐसे इंसान को चूज करता जो किसी और के साथ बिजी ना हो या किसी और से बात ना कर रहा हो। फिर हैरी उसके पास जाकर डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट से बातचीत शुरू कर देता। कॉमन स्टार्टिंग स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, आज का दिन कितना सुहाना है ना, या वाह क्या बढ़िया इवेंट है। आप इस टाइप के स्टार्टिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हालांकि इनसे लंबी बातचीत करना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट से सामने वाले को और बात कहने का मौका मिल जाता है। डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है, आज मौसम बड़ा अच्छा है, आपको कौन सा मौसम पसंद है। या फिर आप कुछ यूं कह सकते हैं, क्या बढ़िया प्रोग्राम है ना, वैसे आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एक अच्छे डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट को किसी और चीज के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए, और ये चीज क्या है। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को न्यूज में दिखाया गया था। एक आदमी ने अपनी शर्ट के नीचे माइक्रोफोन छुपा रखा था। यह आदमी एक पार्टी में गया, और इस पार्टी में वो एक मिशन के साथ गया था कि उसे वहां मौजूद ज्यादा से ज्यादा औरतों से बात करनी थी। साथ ही उसे हर औरत का जोडियक साइन पूछकर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी थी। 1970 के डिकेड में ये एक फेमस पिकअप लाइन हुआ करती थी। किसी लड़के को अगर किसी लड़की से बात करनी होती थी तो वो यही ट्रिक आजमाता था। हालांकि आज के टाइम में ये एक फ्लॉप आइडिया साबित होगा, लेकिन तब की बात और थी। वो आदमी अपने मिशन में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। हर औरत उससे बड़ा इंटरेस्ट लेकर बात कर रही थी। वो उसे अपना जोड़ियक साइन बताती और बदले में उसका पूछती। तो उस आदमी ने ऐसा क्या किया था। असल में जिस औरत से भी वो बात करता था वो उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाता था। उसने बड़े गौर से सब औरतों की बातें सुनी और उन्हें स्पेशल फील कराया। यानी एक डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट के अलावा आपको ऐसा दिखाना है कि आप सामने वाले की बातों में गहरी रुचि ले रहे हैं। जितना ज्यादा वो आदमी इंटरेस्ट शो कर रहा था उतना ही ज्यादा औरतें उससे खुलकर बातें कर रही थी। असल में लोगों को एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, और ये एनकरेजमेंट आपको उन्हें देना चाहिए। हालांकि कॉन्फिडेंस बढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस कहानी के हीरो में कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा। ज्यादातर लोगों को एक ही टेंशन होती है, अगर हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो। जो लोग ऐसा सोचकर डरते हैं वो सिचुएशन को और भी खराब कर देते हैं। लेकिन किसी भी अजनबी और हमारे बीच कोई ना कोई एक चीज तो जरूर कॉमन होगी, बस आपको वो चीज ढूंढनी है
और जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप उस चीज को कैसे ढूंढ पाएंगे। अब जैसे यहां हम ऑथर डेबरा और बॉब का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉब उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था जिसे डेबरा कंडक्ट कर रही थी। वो अक्सर लोगों को कन्वर्सेशन स्किल्स में हेल्प करने के लिए प्रोग्राम बनाया करती थी। बॉब ये प्रोग्राम इसलिए अटेंड कर रहा था क्योंकि ये उसकी जॉब के लिहाज से जरूरी था। इसके अलावा प्रोग्राम के टॉपिक में बॉब को इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बॉब अभी अभी एलिजाबेथ कोलोराडो में शिफ्ट हुआ था, इसलिए वो काफी अकेलापन फील करता था। वो नए लोगों से मिलना चाहता था, दोस्त बनाना चाहता था, और इसलिए बॉब अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता था। डेबरा ने उससे कहा कि वो भी पहले एलिजाबेथ कोलोराडो में रहती थी। उसने बॉब से पूछा कि वो कोलोराडो में एग्जैक्टली कहां रहता था। बॉब ने बताया कि वो पोंड्रोसा पार्क एस्टेट्स में रहता था और उसने ओवरलुक रोड पर एक हाउस लिया है। डेबरा हैरानी से हंस पड़ी, क्या इत्तेफाक था। तो बॉब ने उसका पुराना घर खरीदा था। डेबरा को यह बात मालूम नहीं थी क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने यह डील की थी। तो देखा आपने, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको किसी न किसी में कुछ न कुछ तो कॉमन मिल ही जाएगा, और इसी को बेस बनाकर आप उस इंसान से एक मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बातचीत शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लेट्स गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट। जैसा हमने पहले भी बताया है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना आपके ऊपर है। आप स्माइल करोगे, आई कॉन्टेक्ट बनाओगे और डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट यूज करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्सेशन पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट है। स्मॉल टॉक के लिए एक बढ़िया टिप है, लोगों को अपने बारे में बताने का मौका दीजिए। हर कोई अपने बारे में बात करना चाहता है, इसलिए आपको उन्हें यह मौका देना चाहिए। ठीक यही चीज टोनी करता है जब उसे अपनी टीनेजर बेटी से बात करनी होती है। किसी टीनेजर से बात करना टेढ़ी खीर है। टीनेज बच्चे मूडी होते हैं, या तो बात करते नहीं, और करेंगे भी तो शॉर्ट सेंटेंस में करते हैं। इसीलिए टोनी हमेशा ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वाई यानी कि क्यों और हाउ यानी कि कैसे शुरू होते हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछने से टोनी को दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि कन्वर्सेशन चलती रहती है, और दूसरा उसकी बेटी को फ्रीडम मिल जाती है कि वो क्या शेयर करना चाहती है और क्या नहीं। मान लो टोनी की बेटी स्कूल से घर आई और टोनी उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो उसकी बेटी लिली जवाब देगी, ठीक ही था। बस सारी कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन टोनी अपने ओपन एंडेड सवाल यूज करता है। वो लिली से पूछता है कि आज तुम्हें स्कूल में क्या अच्छा लगा। लिली कन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए बोल सकती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन टोनी बार बार पूछता रहेगा कि आज तुम्हें क्या अच्छा लगा। फिर उसने पूछा कि आज तुम्हें कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आया। लिली बताती है कि आज उसे साइंस क्लास में बहुत मजा आया। टोनी ने फिर पूछा, साइंस क्लास में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें बहुत मजा आया। ये सवाल सुनकर लिली एक्साइटेड हो गई। उसने टोनी को बताया कि आज उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। सवाल पूछना अच्छी बात है, और सामने वाला जब उस सवाल का जवाब दे तो आपको गौर से सुनना भी चाहिए। लिली टोनी को सारी बातें बताती रही क्योंकि टोनी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। कुछ और ओपन एंडेड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करो, मुझे इसके बारे में और बताओ, वो तुम्हें कैसा लगा। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त हमेशा और गहराई में जाकर चीजों को जानने की कोशिश करें। आप जितना गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें उतना ही इंटरेस्टेड हैं, यानी आप उनकी बात को सुनना चाहते हैं। अक्सर कन्वर्सेशन का एंड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोई अच्छा सवाल नहीं पूछता। जैसे मान लो कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक कॉमन तरीका है कि सामने वाले से पूछो कि उसका वीकेंड कैसा रहा, लेकिन अगर वो कहता है कि हाँ ठीक था, तो आपको और गहराई से पूछना चाहिए। उनसे पूछिए कि उन्होंने वीकेंड पर क्या क्या किया, क्या आराम किया या कोई नई चीज की। फिर से हम याद दिला दें कि सामने वाला जो भी जवाब दे आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कब सामने वाला कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है। आपको कुछ ऐसे सिग्नल या हिंट जरूर मिल जाएंगे जो आपको मिस नहीं करने हैं। हो सकता है कि उस वक्त वो बातचीत करने के मूड में ना हो, तो आप भी उन्हें फोर्स मत कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए एक और कॉमन टॉपिक है, जॉब के बारे में पूछना। तो ऑथर डेबरा इस सवाल का जवाब कैसे देती हैं?
जब कोई उनसे उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। डेबरा उन्हें काफी अच्छे से खुलकर बताती हैं, क्योंकि उन्हें वाकई में अपने काम के बारे में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि डेबरा अपने करियर से खुश हैं। डेबरा न्यूयॉर्क में कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट थी। हालांकि उन्हें यह काम पसंद नहीं था, उन्हें इंजीनियर बनना भी पसंद नहीं था, इसलिए डेबरा ने कंपनी में रिक्वेस्ट की कि उन्हें अमेरिका में कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। कंपनी ने उन्हें डेनवर भेज दिया, जहां उन्होंने प्रोडक्ट प्लानिंग का काम किया। इस तरह डेबरा की अपनी जॉब को लेकर दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सामने वाला कई और सवाल पूछ सकता है। वो उनसे पूछ सकता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना पसंद क्यों नहीं है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब और कहां से की है। मेक द मोस्ट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स। नेथन खुद को शर्मिला नहीं मानता। जिन लोगों को वो जानता है उनके साथ वो काफी कंफर्टेबल होकर बात करता है। हाल ही में उसे एक जॉब ऑफर मिला जहां उसे रेगुलरली क्लाइंट से डील करना पड़ता था, लेकिन ये जॉब नेथन को जरा भी पसंद नहीं आई। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि अजनबियों से कैसे स्मॉल टॉक की जाए। फिर एक दिन नेथन की फ्रेंड स्टेफनी ने उसे एक नेटवर्किंग इवेंट के लिए इनवाइट किया। उसने नेथन को एनकरेज करते हुए कहा कि उसे इवेंट में आए हुए लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि लोग कैसे बात कर रहे हैं। इस इवेंट में जितने भी लोग आए थे स्मॉल टॉक में एक्सपर्ट थे, उन्हें पता था कि अनजान लोगों से कैसे बात की जाती है। नेथन ने वहां आए लोगों को बड़े गौर से देखा। उसने कई महीनों तक ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए और लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। धीरे धीरे वो भी उन लोगों के तौर तरीके सीख गया। उसे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी, लेकिन एक साल बाद नेथन एक स्मॉल टॉक एक्सपर्ट बन चुका था। तो हम बताते हैं कि उसने क्या किया। नेथन स्माइल करते हुए आई कॉन्टेक्ट बनाता था और हेलो के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता था। वो उन्हीं लोगों को अप्रोच करता जो किसी और के साथ बातों में बिजी नहीं होते थे। इस नई जॉब में रहते हुए नेथन को एक पार्टी में एक आदमी मिला जो उसी की उम्र का लग रहा था। नेथन का ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आ रहा था, क्योंकि वो आदमी भी पार्टी में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले नेथन किया करता था। ऐसा लग रहा था जैसे मौका मिले तो वो पार्टी छोड़कर भाग जाए। नेथन उसके पास गया और उसे देखकर मुस्कुराया। उस आदमी ने भी स्माइल किया। नेथन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उस आदमी ने अपना नाम एंड्रयू बताया। वो भी नेथन की तरह एक नया एम्प्लॉय था। नेथन कन्वर्सेशन के दौरान एंड्रयू को उसके नाम से बुलाता रहा। ये उसकी टेक्निक थी नाम न भूलने की। नेथन ने डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट से कन्वर्सेशन की शुरुआत की थी। उसने एंड्रयू को पूछा कि पार्टी के बारे में उसका क्या ख्याल है। एंड्रयू ने जवाब दिया कि पार्टी ठीक है और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। उसने आगे बताया कि उसने इसी हफ्ते से जॉब स्टार्ट की है और उसे यहाँ काफी अकेलापन लगता है। नेथन गौर से एंड्रयू की सारी बातें सुन रहा था। तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी? पहली तो ये कि एंड्रयू नया था, दूसरा वो नर्वस था और अकेला फील कर रहा था। नेथन ने इन फैक्ट्स के बेसिस पर उससे बातचीत शुरू कर दी। नेथन ने एंड्रयू से उसकी पोस्ट और उसकी हॉबी के बारे में पूछा। उसने पूछा कि वीकेंड्स पर वो क्या करना पसंद करता है। इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान नेथन एंड्रयू से आई कॉन्टेक्ट बनाए रहा। अब नेथन एंड्रयू की हर बात ध्यान से सुन रहा था। इससे एंड्रयू को भी एनकरेजमेंट मिली और वो नेथन से और खुलकर बातें करने लगा। उसने भी नेथन से कुछ सवाल पूछे। नेथन ने उसे अपने बारे में बताया, हालांकि वो ज्यादा एंड्रयू के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। इस तरह दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई। दोनों ने एक लोकल जैपनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्रोग्राम भी बनाया, क्योंकि बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों को ही जैपनीज खाना पसंद है, और पार्टी खत्म होते होते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कन्वर्सेशन स्टार्ट और मेंटेन करना प्रैक्टिस के साथ आसान होता जाएगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कन्वर्सेशन के दौरान क्या बोलना है और क्या नहीं। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले पर सवालों की बौछार ही कर दें। जो इन्फॉर्मेशन उससे मिले उसके बेसिस पर ही सवाल पूछें। बेवजह के सवाल ना पूछें। आपका गोल होना चाहिए सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना। कहीं उसे ये ना लगे कि आप उससे बातचीत नहीं बल्कि पूछताछ कर रहे हैं। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना भी जरूरी है। अगर आपको बातचीत में मजा आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी आ रहा हो। अगर वो इधर उधर देखे या अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि
अब कन्वर्सेशन खत्म करने का टाइम आ गया है। इससे आपको किसी इवेंट से पहले मेंटली प्रिपेयर होने में भी मदद मिलेगी। आप ये मानकर चलें कि आपको वहां अजनबी मिलेंगे। लोगों से बातचीत करने के लिए कोई 3 टॉपिक सोच लीजिए। याद रहे कि कन्वर्सेशन सेम नहीं होगी। हो सकता है कि 5 में से 1 कन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। हर किसी का टेस्ट आपसे मैच करे ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। जब भी मौका मिले कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से हिचकिचाइए मत। और अब कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने स्मॉल टॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। स्मॉल टॉक की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यह आपको मीनिंगफुल और गहरी बातचीत करने का मौका देती है। दूसरी बात, आपको 2 चीजें माइंड में रखनी चाहिए। आपको कन्वर्सेशन शुरू करने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए किसी सोशल इवेंट में बातचीत की पहल करने से डरे नहीं। एक और चीज माइंड में रखनी चाहिए कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। ये आपके ऊपर है कि कन्वर्सेशन आगे चलती रहे। तीसरी चीज आपने सीखी कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे की जाए। बाकी चीजों की तरह इसमें भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे ये आपके लिए इजी हो जाएगा। स्मॉल टॉक लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है। ये रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने और नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए भी रास्ता खोलता है। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना जरूरी है, इसीलिए शुरुआत हमेशा स्माइल के साथ कीजिए। उनसे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखें, फिर उनसे उनका नाम पूछें। पूरी बातचीत के दौरान उनके नाम से उन्हें बुलाएं, जिससे सामने वाला थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए। इसका फायदा यह भी है कि आपको उनका नाम याद रहेगा। चौथी चीज, अब आपको पता है कि कन्वर्सेशन को कैसे जारी रखना है। डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स यूज कीजिए। ये ओपन एंडेड सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इससे आपको उस इंसान के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप आगे और सवाल पूछ सकते हैं। पांचवी चीज, कन्वर्सेशन में एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह और इंटरेस्ट बेहद अहम चीजें हैं। हमें सामने वाले को ये जताना है कि उनका जवाब हमारे लिए मैटर करता है। अच्छी कन्वर्सेशन स्किल्स आपको लाइफ के हर मोड़ पर काम आएंगी। अब आपको वो सारे टूल्स पता हैं जिससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट और मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार इन टूल्स को ट्राई करते वक्त आप थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील करें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपको काफी आसान लगने लगेगा। बातचीत में माहिर होना आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और हम भी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंज ही एक्सपेक्ट करते हैं। कैसी लगी आपको ये बुक समरी? और कैसी से भी इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।